एंड ये जो बात मैंने जब जब मैं चौंक गया, मैं तो पहले से पता है मुझे आपको आपके बारे में, लेकिन ये बात फिल्म इंडिया में तो इतना ज़्यादा मैंने देखा नहीं, बस हम सब अरब लोग ने हिसाब किताब करके ये देखा। आपकी क्या तवज्जो है? मीडिया का काम है, वो अपना काम कर रहे हैं, उनको जो काम जिस तरह ढंग से वो करते हैं वो आपको मालूम ही है। आवाज़ के जो गाने थे वो कुछ याद आ गए मुझे, फिल्म नरम गरम में आपने एक अच्छा गाना गाया था, एक बात कही है चाचा जी, उसमें आपकी आवाज़ इतनी खूबसूरत थी। हर सवाल इधर, क्योंकि ज्यादातर लोग जो हमसे बात करते थे वे हमें हिंदी में संबोधित करते थे, इसलिए हमें भी उनसे हिंदी में ही बात करनी पड़ती थी और हम उन्हें सुनते थे, यानी स्वाभाविक रूप से। उन दिनों सोशल मीडिया जैसी कोई चीज नहीं थी। अगर आप किसी चीज से प्यार करते हैं तो आप उसे सीखने के लिए हर संभव तरीका अपनाएंगे। मेरे पास हिंदी सीखने का एकमात्र तरीका था सिनेमा में फिल्में देखना और साथ ही हिंदी पत्रिकाएं पढ़ना। ये पत्रिकाएं हिंदी में नहीं बल्कि उर्दू में लिखी होती थी। उर्दू लिपि अरबी लिपि के समान है, अक्षर लगभग एक जैसे हैं, बस कुछ अक्षरों में थोड़ा अंतर है। जैसे हमजा अक्षर जो अरबी में कुर्सी पर होता है, वहीं उर्दू में वह एक नंबर की तरह दिखता है। कुछ अक्षरों में जैसे काम में एक अतिरिक्त रेखा होती है जो उसे काफ बनाती है। तो आप पढ़ सकते हैं लेकिन समझ नहीं पाएंगे, लेकिन जब आप लोगों को सुनते हैं और फिल्में देखते हैं तो पढ़ने के साथ साथ समझ भी आएगी, खासकर जब आप अरबी में अनुवाद पढ़ते हैं कि इसका क्या मतलब है। यह अभ्यास मुझे करीब करीब कई साल लगा। अगर उस समय सोशल मीडिया और व्हाट्सएप होता तो शायद मैं इतनी आसानी से हिंदी नहीं सीख पाता। जैसे अब हम फोन नंबर याद नहीं रखते, वे फोन में ही सेव रहते हैं। पहले फोन नंबर यहाँ दिमाग में सेव होते थे। इसी तरह मुझे गूगल खोलकर अनुवाद करने की जरूरत नहीं पड़ती, मुझे खुद ही अनुवाद करना पड़ता है और खुद ही समझना पड़ता है। बार बार लिखने और पढ़ने से मुझे समझ आ जाता है, यही चीज मुझे सीखने में मदद करती है। इसके अलावा यह विषय के प्रति प्यार है, और यह प्यार उस व्यक्ति की वजह से आया जो मेरे पीछे है। मुझे नहीं पता कि इशारा कैसे करूं। हाँ, धर्मेंद्र ने मुझे भारतीय सिनेमा से प्यार करना सिखाया और यहाँ मुझे यह भाषा बोलना पसंद आया। मैंने एक वीडियो में सीखा और इंस्टाग्राम पर इस विषय के बारे में एक विस्तृत व्याख्या है, लेकिन संक्षेप में प्यार ही है जो आपको इस दुनिया में कोई भी भाषा सीखने के लिए प्रेरित करता है। حبيت اني اتكلم اللهجه او اللغه هذه وتعلمت ففي فيديو في الانستغرام موجود بعد في شرح اكبر لهذا الموضوع لكن باختصار المحبه اللي تخليك تعلم اي لغه في هذه المعموره